देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पीलीभीत के घने रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी के साथ बढ़ी कि 10 मिनटों में पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही किशोर सहित दो लोग झुलस गए। पुलिस व अग्निशमन अधिकारी फायर सर्विस गाड़ी के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंचे और आस पड़ोस के घरों को खाली कराया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और घर में रखे तीन और सिलेंडर बाहर निकाल नाले में फेंके गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि लाखों रुपए का बेटी की शादी के लिए लाया गया सामान भी जलकर खाक हो गया। फिलहाल गंभीर रूप से घायल गृहस्वामी को अस्पताल में भर्ती कराया है। हस्बैंड अंदर बैठ के टीवी देख रहे थे, मैं बाहर गोलगप्पे सेक रही थी और लड़की खाना बना रही थी जी। तो वो खाना वाला एकदम सिलेंडर लीक हो गया, वो कर्चली लेने गई, इतनी देर में वो आग लग गई। जब बाहर भी था अंदर भी, बच्चे तो मेरे आ गए लेकिन मेरे हस्बैंड अंदर फंस गए थे और जितना सामान था वो सब जल गया। जितना दहेज वहेज का उसका लड़की का सामान था वो भी चला गया, जितनी नंग दहेज रखी थी वो भी सब गई। तीन लोग बरकना, चार लोग गोलगप्पे बन रहे थे, सिलेंडर एकदम लीक हो गया, आग लग गई सब में। कितने कौन क्या क्या हुआ, कौन कोई घायल भी हुआ इसमें? राम बड़ा भाई घायल हो गया, लौंडिया की चोट लग गई, मेरे भी लग गई है, मेरी भाभी के लग गई है। काबू पा लिया है, आग पूरी तरह बुझा दी गई है। जहाँ तक मेरा अनुमान आग लगने का कि ऐसी घटना जब गैस कम हो जाती है, लोग गर्म पानी करके उसमें रखते हैं और उसको हिलाते डलाते हैं गैस में, तब उसमें संभावना पड़ती है आग लगने की, वही संभवतः हुआ होगा। व्यक्ति जो चार्ट लगा था बड़ी दुकान से, वो घायल भी हो चुका है, उसको अस्पताल में पहुँचा दिया गया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सदर सैफी की रिपोर्ट। देख रही है क्राइम स्टोरी।